देव जी ऑस्ट्रेलिया से राधा वल्लभ श्रीहरिवश महाराज जी हमारे शास्त्रों में कुछ महात्माओं को त्रिकालज्ञ बताया गया है जैसे वल्क जी अगर कोई त्रिकाल है तो उसको भविष्य का पूर्ण ज्ञान है अर्थात भविष्य पूर्व निर्धारित है देखो जैसे आंवला रख लेना तो चारों तरफ से देखा जा सकता है ऐसे वो पूरे ब्रह्मांड को आंवले की हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह देखते हैं वो महापुरुष जो त्रिकालज्ञ हो गए हैं उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है जैसे भगवान भूत भविष्य वर्तमान का पर्दा उनके नेत्रों के सामने नहीं रहता ऐसे भगवत प्राप्त महात्माओं के सामने नहीं रहता पर वो चलते भगवान के विधान से ही है भगवत स्वरूप सर्व सामर्थ्यशाली त्रिकालज्ञ भगवान वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी योगवाशिष्ठ जैसे परम महामहिम ज्ञान को भगवान श्री राम को उपदेश कर रहे हैं जो भगवान राम को उपदेश कर रहे हैं वो भगवान वशिष्ठ जी जो त्रिकालज्ञ हैं वो भगवान वशिष्ठ जी जो परम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी स्वयं भू ब्रह्मा से जो प्रकट हुए भगवान वशिष्ठ जी वो कह रहे हैं सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हान लाभ जीवन मरण जस अपजस जस समझ पा रहे वो सब जानते हैं सब कर सकते हैं लेकिन वो भगवान के विधान से चलते हैं राम जी की कुंडली और शिया जी की कुंडली सदानंद जी ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी के आचार्य और ये दशरथ जी के आचार्य भगवान वशिष्ठ जी दोनों ने मिलाई थी कोई त्रुटि थोड़ी हुई थी लेकिन जहां राज तिलक होना था वहा चौदाह वर्ष का वनवास तापस वेश विशेष उदासी चौदाह वर्ष राम वनवासी फिर सियाजी का हरण लंकाधिपति रावण फिर भयानक युद्ध इधर महाराज दशरथ जी का पधारना पूरी अयोध्या को 14 वर्ष भारी वियोग में तड़पते हुए व्यतीत करना क्या क्या लीलाएं तो त्रिकाल के भगवान वशिष्ठ सब जानते थे पर वही जो विधान भगवान का है उसी के अनुसार चलते है भगवान के विधान के विपरीत आज तक कोई भी महापुरुष कदम नहीं उठा सकता क्योंकि वो भगवान की रुचि और रहस्य को जानने वाला वो सब कुछ जानता है पर चलेगा वैसे जैसे जैसे विश्वामित्र जी ने थोड़ी सी त्रिशंकु को जबरदस्ती स्वर्ग भेजना चाह आज भी उल्टा टंगा हुआ है खोपड़ी के बल आज भी उल्टा टंगा हुआ है त्रिशंकु भगवान के विधान को जानने वाले भगवान के विधान से बिलक नहीं जाएंगे यद्यपि वो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ सब जानते हैं सोच पा रहे हैं महाराज जी तो फिर अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो हम क्या गा... कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति पूर्व निर्धारित नहीं है, है।, है। ब्रह्मबोध होना पूर्व निर्धारित नहीं है पूर्व निर्धारित शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार स्थूल शरीर की क्रियाओं को है कि आप सुख पूर्वक जीने जा रहे थे बुरा प्रारब्ध आ गया मिटिया मेट कर दिया सारे सुख साधनों को तो प्रकति जन्य प्रकृतिजन्य उस पर प्रारब्ध का प्रभाव है लेकिन परमात्मजन्य नहीं है वहां तो मान लो भगवान के अवतार में भगवान ने अवतार ही लिया था असुरों का श्रंगार और ऋषि मुनियों को सुख देना अब राजा बन करके जो कार्य नहीं हो सकता था वो बन बन जा कर के भगवान ने किया लेकिन यहाँ प्रारब्ध भोग जो सुख दुखाता है पूर्व निर्धारित होता है वो केवल शुभ अशुभ कर्म ही तो है ना उनका परिणाम सुख दुख है ना वो केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही प्रभाव डाल सकता है अपने ऊपर नहीं डाल सकता जो मैं तत्व है उसके ऊपर नहीं डाल सकता हम मनुष्य योनि में आए हैं स्वरूप बोध करने या भगवत प्राप्ति करने प्रारब्ध क्या बिगाड़ लेगा इसमें शुभ अशुभ कर्मों को तो हम विध्वंस करेंगे भजन बल से परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य से भजन करते हुए साधना करते हुए शुभ अशुभ का नाश करके हम परम पद में आरूढ़ होने आए हैं शुभ अशुभ को भोगने केवल पशु की तरह नहीं आए हैं यह शुभ अशुभ केवल भोगता पशु ही होता है मनुष्य जो होता है शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठने के लिए आया है समझ पा रहे आप हाँ खूब नाम जप कीजिए और साधना कीजिए संयम पूर्वक रहिए तो चाहे गृहस्थ हो तो चाहे विरक्त हो अपनी अपनी मर्यादा अनुसार तो भगवत प्राप्त हो जाएगा भगवत प्राप्ति हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी ये हमको पुरुषार्थ के द्वारा साधन भजन के द्वारा प्राप्त करने के लिए अवसर दिया गया है ये मनुष्य दे परम पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति अगर हमारा पुरुषार्थ भोग संग्रह भोगनों में लगा तो फिर पशु से ज्यादा जैसे सुअर कुत्ता है नींद आती है बच्चे पैदा करते हैं भोजन पाते हैं खेलते रहते हैं दिन भर आहार ढूंढते रहते हैं अगर इतने केवल मनुष्य में है तो फिर दुर्लभ दे काहे को कहेगी दुर्लभ हो मानुषो देहो देहे नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मनने तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम ये दुर्लभ देह मनुष्य के इसीलिए है कि भगवान और भगवान के प्यारों का हमें साक्षात्कार हो जाए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग भगवान की कृपा से मिलता है और भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो इसलिए ये हमारा पुरुषार्थ होगा इसको हम प्रारब्ध में लेके नहीं बैठे जाएंगे कि जो होगा जो तो वही भोग लेंगे नहीं ऐसा हम कोई पशु हैं कि भोगते चले जाएंगे हम उन भोगों को मिटाएंगे हम भगवान के अंश हैं विनाशी हैं अब हम कर्तव्य करेंगे त्रिगुणातीत नाम जप किया जो कर्म है भगवान को समर्पित किया उनकी लीलाओं का गायन किया लीलाओं का चिंतन किया ये त्रिगुणातीत है ये माया मुक्त करके स्वरूप में स्थित करके या भगवत प्रेम में स्थित करके आपके सारे दुखों का विनाश कर देगी ये करने के लिए हम आए केवल भोगने के लिए थोड़ी आए भोग तो पीछे पड़े रहेंगे कोने में वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए मना स्थिति प्रभु में लगी हुई तो तन में कोई दंड आया है भोग आया है, क्या कर लेगा शरीर छूटना एक बार है ही है दो बार छूटना नहीं है। तो निर्भय हो जाओ खूब सच्चिदानंद भगवान को दुलार करो नाम जप करो अच्छे आचरण करो और जब शरीर पूरा हो जाएगा तो अपने परम धाम में स्थित रहोगे इसके लिए मानो दे मिला इसमें कोई संशय आपको महाराज जी इसका अर्थ हो कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो गुणों के अंतर्गत है वो वो शुभ अशुभ वो तो आ, जितना शरीर की रचना हो गई ना वो आएगा समय पे चाहे कोई महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो पर दुरात्मा उसमें तदात्म होकर भोगता महात्मा उसमें तटस्थ होकर के साक्षी मात्र से बच जाता है मतलब शरीर में प्रारब्ध होगा आएगा अपना जो प्रारब्ध हो है लेकिन महात्मा उसमें साक्षी भाव से रह करके दुख तो है शरीर को तो, पर साक्षी भाव से रहकर अपने और जो भगवत भजन नहीं करते उसमें तदात हो गया हाय अब ये हो गया अब आपका वो पूरा चिंतन बिगड़ जाता है धनिक सुख नहीं रह जाता है वो भोगता है वो दृष्टा है दृष्टा बन जाओ भोक्ता भाव से हटो फिर धीरे धीरे दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों का लय हो गया वही बचा जो था जो है जो रहेगा परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर लो बस इसलिए मालवदेह है ये दुख सुख तो आने जाने वाले टिकाऊ चीज नहीं है न सदैव दिन रहता ना सदैव रात रहती तो न सदैव सुख रहेगा ना सदैव दुख रहेगा और ये सुख दुख चकाचौन माया कि इनका कोई अस्तित्व तो नहीं अच्छा स्वप्न बुरा स्वप्न जब जगे तो दोनों झूठे नहीं ऐसे ही जगत का अच्छा स्वप्न अभी जाना है ट्रांसफर हो जाएगा इससे ट्रांसफर होना है सरकारी है ये सब पुत्र पत्नी मकान दुकान शरीर सब सरकारी है ट्रांसफर कब आ जाए कोई पता नहीं इसलिए तैयार हो कि ट्रांसफर होना है तो अगर चाहो तो ट्रांसफर रुक जाएगा सीधे परम पद प्राप्त हो जाएगा और नहीं तो फिर जिस काम के लिए भेजे गए थे काम नहीं किया तो आपका जो उन्नति हुई थी तिरासी लाख निन्यानवे हजार नौ से निन्यानवे योनियो के ऊपर मानो दे वो नीचे गिरा दिया जाएगा अब चौरासी तो लाख योनियों में भटकना पड़ेगा फिर इसलिए अपना काम बना लो चाहे जहाँ रहो प्रभु की ही भूमि है नाम जप करो एक भी क्षण खाली ना रहे जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दो और धीरे धीरे कर्ता भाव को भगवान में लीन कर दो कर्ता भाव भी जहाँ गया तो ब्रह्मबोध हो जाएगा भगवत प्रेम हो जाएगा सब बात बन जाएगी ठीक है सचिन दास जी बरसाना से जी राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी हमारे कंठ से महामंत्र गुरु मंत्र की महाराज जी इनका भाव ये था कि ये मंत्र इनके गुरुदेव से आज्ञा हुई कि नाम मंत्र जप करो फिर इन्होंने मंत्र जब जैसे स्टार्ट किया और काफी समय जब स्टार्ट रखा तो इनके कंठ से महामंत्र गुरु मंत्र की आवाज इनको ऐसा लगा कि कंठ से आ रही है फिर अचानक बंद हो गई फिर इनको ये कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि हमसे कोई अपराध हो गया हमारा भजन कम हो रहा है मतलब मारा जी ये उसी संशय में कि अभी वो आवाज फिर कैसे आएगी या वो क्या था मारा जी देखो चार वाणिया है वैखरी वाणी जो आपके कान तक अभी पहुंच रही है मध्यमा जो कंठ से होती है पश्यंती जो हृदय से होती है परा परा वाणी भगवत स्वरूप है साधक जब वैखरी से अभ्यास करता है तो जिस जब प्रणाली को वाचिक उपांश और मानसिक कहते हैं तो जब कंठ से मंत्र चलने लगता है तो इसका मतलब होता है अच्छा परिपक्व साधक बहुत अच्छी साधना हो रही है तब तो उसका कंठ से नाम जब स्वाभाविक चल रहा है अब उसको वही सुनाई देता है वही दिखाई देता है उसी में मस्त रहता है अब इसमें दो विक्षेप पड़ सकते हैं एक पढ़ सकता है वैष्णो अपराध से और एक पढ़ सकता है खान पान से कुंग खान पान का या फिर वैष्णो अपराध किसी भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति दोष दर्शन किसी भगवत प्रेमी महात्मा के नाम जापक महात्मा की निंदा कर देना इन बातों से फिर नाम रुक जाता है या फिर कोई अशुद्ध भोजन हो जाना पर अशुद्ध भोजन वाला दो तीन दिन ही विक्षेप पहुंचेगा इसके बाद चालू हो जाएगा पर यदि लंबे समय तक ऐसा नहीं है तो खोजना चाहिए किसी वैष्णव का अपराध बन गया हम बाणी से ना बोले हों पर हम दृष्टि से दोष दर्शन करके उसके प्रति दोष बुद्धि कर ली तो फिर नाम रुक जाएगा क्योंकि नाम बहुत करुणा करके स्फुरित होता है ये कोई अपने बस की बात थोड़ी है ये भगवान की कृपा जब कृष्ण कृपा होती है तो कृष्ण नाम स्फुरित होने लगता है जिव्या पे कंठ पे हृदय पे हरिवंश कृपा हरिवंश कहें हरिवंश कहें हरिवंश लहें कृपा से नाम आता है नाम से ही कृपालु भगवान का दर्शन होता है साक्षात्कार होता है अनुभव होता है तो एकांत में अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मुझे तो पता नहीं लेकिन मैं संपूर्ण विश्व के व्यक्त अव्यक्त समस्त महापुरुषों को प्रणाम करके क्षमा मांगता हूं यदि जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए अगर उस समय किसी संत की झांकी आ जाए तो ध्यान करो क्या उससे आपका कोई दोष दर्शन हुआ क्या उससे कोई वार्ता अगर नहीं आती तो सच्ची मानिए माफ हो जाएगा भगवान बड़े कृपाल हैं, कोई हमसे भूल चूक होती है तो राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सारे की पर नाम रुकता है दो ही कारणों से पर पहला जो कारण है वैष्णो अपराध इसमें तो जब तक मोचन नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा लेकिन भोजन कुशंग आदि का ये एक दो दिन में साधक पूर्वक सावधानी पूर्वक चला लेता है जैसे अशुद्ध भोजन हो गया तो गंदे विचार आएंगे विक्षेप पड़ेगा मानसिकता बिगड़ जाएगी पर दो तीन दिन फिर वो अन्न जब पच करके रक्त में और रक्त जब जल जाएगा तब फिर शुद्धि हो जाएगी फिर उसका विवेक काम करने लगेगा तो आपका अगर दो तीन दिन वाला है तो फिर वो भोजन का अपराध है कोई ऐसा कुशंग कोई ऐसा भोजन अगर लंबे समय से ऐसा है तो फिर कोई वैष्णव का अपराध बन गया कभी कभी हमें वैराग्य आदि का अभिमान हो जाता है और हम किसी महापुरुष को न जानने के कारण बाह्य स्थितियों का निरीक्षण परीक्षण करके उस पर दोष दर्शन कर लेते हैं एक स्थिति ऐसी होती जिसमें शरीर भाव खत्म हो जाता है तो फिर भगवान के वो महापुरुष कभी राजा महाराजा की तरह देखे जाते हैं तो कभी फुटपाथ में भी देखे जाते हैं दो प्रकार के एक आचार्य कोटि के महापुरुष अब सोने की खड़ाओं सोने का सिंहासन छत्र ऐसा तो आप सोच सकते हैं कि विश्वास है क्या लेकिन हो सकता है वो ब्रह्मबोध संपन्न हो हो सकता है भगवत प्राप्त महापुरुष हो एक ऐसे जो फटे पुराने कपड़ों में भिक्षुक जैसे दिखाई देते हैं हो सकता है प्रिया प्रीतम उनके साथ खेलते हो, हो सकता है ब्रह्मबोध महापुरुष हो ऐसे पहचाना नहीं जा सकता बाय प्रकृति से बाह चेष्टाओं से पहचाना नहीं जा सकता तो हम कभी कभी ऐसा दोष दर्शन कर लेते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते जब हमें वैराग्य का अभिमान होता है अब यह कि जैसे कोई कैसे आता है तो ये उसका विचार है उसकी रहनी है और उसके अंदर जो प्रभु बैठे हैं हम उनका आदर करते हैं तो अपराध नहीं बनेगा नहीं तो प्राय फिर अपराध बन जाता है जब हम शास्त्र की कसौटी पर किसी को कसने लगेंगे तो फिर अपराध बन जाएगा क्योंकि शास्त्र किस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं और वो किस अवस्था में है या तो इतनी उच्च कोटि की स्थिति हो तो हम जान पाए नहीं महापुरुषों को बाह्य लक्षणों से नहीं जाना जा सकता क्योंकि बाह्य प्राकृतिक लक्षण हमने बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा गंगा किनारे अब जैसे परमानंद स्वामी जी थे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष जिनको शरीर का भान भी नहीं रहता कभी दिगंबर ही ऐसे निकल पड़ते थे जैसे सभा में माताएं बहनें सब आती हैं जब उनको शुद्ध आती थी तो डांटते थे शिष्यों को कि एक वस्त्र पहना देते क्यों नहीं पहनाया ऐसे डांट शरीर की वास्तविक वो बहुत महापुरुष तो जैसे कोई आता ना वैसे तो बोले भैया तुम्हारे गाय है बोले तो हमारा गांव के क्षेत्रों में रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाई अब बताओ आप क्या अनुमान लगाएंगे कि महात्मा की बुद्धि अभी रबड़ी में फची कोई माता बहन प्रणाम के कढ़ी बना लेती हो हा महाराज कभी बना बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं शरीर की शुद्धि नहीं है और ऐसी लीला है कि आप जान ही नहीं सकते कि इतनी उच्च कोटि के महात्मा है तब विनोद आता कि अरे जैसे भगवान को जानना कठिन ऐसे भगवान की स्थिति को प्राप्त हुई महापुरुषों को जा सोई जाने जे देव जनाई तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए अपने लोग गुरु कृपा से संतों का संग किए थे ना तो पता चल रहा तब ये हंसी आती कि कोता तो कैसे कोई जान सकता है इनको ये पीछे किस कोटि के महात्मा है सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं और जैसे कोई ले भी आया ना तो जरा से चखा वाह भैया बहुत बढ़िया हाँ है जाओ आप लोग पाओ ये हो कि भाई रिया आ गई तो आधा किलो पा कैसा जरा से चखा तो मुझे लगता है कि हम अगर साधु महात्माओं की बाह्य क्रियाओं को देखे इसी का दुरुपयोग हो जाता है इसी का दुरुपयोग हो जाता है कि अपने लोगों को स्थिति वो प्राप्त होती नहीं और स्थिति जो लिखी वो हम जब नाटक करने लगते तो दम्ब हो जाता है पाखंड हो जाता है और जब कोई हमको अगर डांट लगावे तो हम ये कह देते तुम तो हमारी स्थिति को जानते हो क्या ये धोखा हम लोग अपने साथ कर लेते हैं नहीं वास्तविक स्थिति में जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं उनको केवल वही परिचय दे दे तो पहचाना जा सकता है अन्यथा नहीं बाहरी लक्षणों से जाना नहीं जा सकता है कि अंतर की स्थिति क्या है क्योंकि बाहरी वो बालवत चेष्टाएं करते हैं जैसे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे पीछे उनके दस शिष्य थे तो एक जगह मछली बिक रही थी तो जिंदा मछलियां उठाई और ऐसे मुख में चार जो शिष्य थे वो खड़े रहे और अन्य नेपालिया देखा ऐसे वैसे आगे बढ़े तो कांच खोलाया जा रहा था गलाया जा रहा था खप्पर में भरा नारियल के खप्पर में खोलता हुआ कांच पी गए और वो जो पीछे नहीं पिए थे वो तो वो भी नहीं पिए जो नहीं खाए थे जो खाए थे उनसे पूछा कि तुमने मछली क्यों खाई उन्होंने तो कहा महाराज आपने पाई इसलिए आप गुरु हैं आपने पाई तो मैंने पा लिया उन्होंने तो कहा हम पी रहे हैं गला हुआ कांच पीजिए वो तो, तो नहीं पी पाए कैसे पियो मर जाएगी तो उन जो शिष्यों ने नहीं खाया था उनसे कहा क्यों नहीं खाया बोले तो आपकी आज्ञा नहीं थी आप आज्ञा करते हाँ ठीक है ऐसे किया तो मछली जो थी ना वो सब जिंदा निकल आई काच पीने के बाद भी महायोगी आदि गुरु भगवान शंकरा ऐसे किया जब शिष्यों से कहा अब वहां तो सब लीवर में जाके फंस गई थी मर गई थी चबा के खा लिया था महापुरुषों के आचरण जो उनके आज्ञा और उपदेश के अंतर्गत हो वही करने चाहिए वो हमारी सामर्थ्य के बाहर की बातें हैं उनकी लीलाएं महापुरुषों के आचरण जो उनके उपदेश हमें दिए गए हो उससे जो मिलते हो वही हम कर सकते हैं अन्यथा नहीं बस प्रणाम है क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं आप कुछ भी खाएं, कुछ भी करें वो हमारा विषय नहीं हमें क्या आज्ञा है हमें ये दे तो महापुरुषों को बाह्य आचरणों से नहीं पहचाना जा सकता उनका एक बहुत अद्भुत स्थिति से अद्भुत लीलाएं होती जैसे भगवान की भगवान ने जब देखा मुंजा टवी में गाय फंस गई और सब ग्वाल वाल पुकारने लगे कन्हैया तो अभी पाँच सात वर्ष के कन्हैया हैं का आंखें बंद करो आ पूरी अग्नि को मुख में पी गए भगवान मुंजा टवी की अग्नि शांत एकदम पूरी मुख में पी गए जैसे काली मर्दन आप पूरा जहरीला जल भगवान जो करते हैं वो हम कर नहीं सकते वो गा रहे है हैं हम भगवान जो आज्ञा करते हैं जैसे गीता जी में अब हम वो करेंगे जो भगवान ने आज्ञा करी वो आचरण जो भगवान के मिलते हैं वो हम करेंगे वो जो सब कुछ करते हैं वो हम कर नहीं सकते जैसे गिरिराज जी उठाया तो हम सौ ग्राम बांट इस अंगुली में सात दिन सात रात नहीं रख सकते वो 21 किलोमीटर के गिरिराज जी पूरे उठा के चौरासी कोस के ब्रजवासियों की रक्षा वो भगवान है हम उनकी समानता थोड़ी कर सकते जैसे लोग कहते हैं भगवान माखन चोरी करते थे चोरी वो करे जिसके घर में ना हो मान लो भगवान ने ना मानो आप तो नंद बाबा के यहाँ भगवान जो प्रगट हुए तो नंद बाबा के यहाँ नौ लाख थे तो वहाँ दूध बाल्टियों में थोड़ी रखा जाता था कुंडों में रखा जाता था दूध कुंड दही कुंड घृत कुंड ऐसे मक्खन के कुंड जिनके यहां लाला दिन भर स्नान करे तो कुंडों को पार नहीं पाएगा वो लाला दूसरे को माखन चोरी करेगा नहीं जिन गोपियों का भाव हुआ कि काश जैसा यशोदा मैया को सुख देते हैं ऐसे मेरे घर में आए उपद्रव करे सखाओ के साथ और मैं इनको पकड़ू फिर ये डर पे फिर मुझसे क्षमा मांगे ये मैं जैसे मैया के साथ सुख वो मैं ले तो भगवान ये था माम प्रपद्यंते वैसे चोरी चोरी चुप चुप जाते साथ अपने सखाओं के साथ और वही उपद्रव करते जो जो सोचा था और वैसे ही वो जब पकड़ती कलाई भगवान की और भगवान डरप के देखते निहाल हो जाते कि तो अब इस बात को हम कहते हैं कि भगवान ने माखन चोरी की नहीं नहीं हमें भगवत लीलाओं को किसी विज्ञ महापुरुष से समझना होगा ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्माओं की जो ऊंची अवस्था के होते हैं उनकी बाह्य लीला हम नहीं सोच सकते तो जब हम बाह्य लीला पे दोष दर्शन करते हैं तो फिर हमारा भजन रुक जाता है तो हमें चाहिए सब में भगवत भाव करते हुए अपने को सुधारना है अपने को भगवत भाव में लाना है ठीक है आप एकांत में श्री जी से प्रार्थना करना वो सबकी स्वामिनी है अगर वो कोई छवि तुम्हारे मस्तिष्क में देती है कि आप उस महात्मा से मिले कभी उससे दोस्त दर्ज तो आप जा के प्रणाम करें क्षमा याचना करें अगर कोई चित्र नहीं आता आपके मान तो श्री जी क्षमा कर देंगे बहुत कृपालु करना है हरीश प्रताप सिंह जी राधे 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 महाराज जी महाराज जी अभी तक मैंने किसी को भी गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया है किसी किसे गुरु बनाऊ किससे सक्षम गुरु कैसे सक्षम गुरु सबसे सक्षम गुरु भगवान है उनसे प्रार्थना करो कि आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें और गुरु रूप में हमें प्रगट चाहिए अव्यक्त रूप में तो हम आपकी भाषा समझ नहीं पाएंगे तो प्रगट रूप में आप कहाँ हो या तो मुझे पहुँचा दो या आप स्वयं आके मुझे पकड़ लो वो ऐसा व्यवस्था कर देंगे बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर्ण कर गुरुदेव भगवान साक्षात श्री हरि हैं हरी ही गुरुदेव भगवान हैं पर कहाँ हैं सर्वत्र हैं पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ तो हे हरी हे गुरुदेव आप मुझे ढूंढ लीजिए मुझे पकड़ लीजिए या मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए बस उनसे प्रार्थना करो और जिनके देखते ही हृदय शांत होने लगे और ये बात लगने लगे कि हमारी खोज खत्म हो गई वही अपने आप को समर्पित कर दो जिनके देखने से जिनके संभाषण से ऐसा लगे कि जो मेरी खोज थी वो ख़त्म हो गई अंदर से लगे बस किसी की सलाह की जरूरत नहीं बस उनकी वाणी को मान लो आपका भाव समुद्र से उद्धार हो जाएगा गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्त मेन चराचरम चर चर सब में गुरुदेव विराजमान है अब कहाँ से वो आपका कल्याण करेंगे कैसे पकड़ेंगे आपको ये भगवान से प्रार्थना करो भगवान की प्रार्थना से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं भगवान सब जगह छुपे हुए है फिर वो छुपा छुपी का खेल ना खेल के फिर हर समय नेत्रों के सामने रहते है जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत जित दीखत तित श्याम खड़े वो जिधर दृष्टि डालता है उसको अपने आराध्य देव दिखाई देते सोच पाए जी जी पाए सत्य और कर्तव्य में से किसको चुनूं? गुरुजी जब सत्य बोलता हूं तो कर्तव्य निर्वाहन में बाधा पड़ती है और जब कर्तव्य निर्वाहन करता हूं तो सत्य बाधा बन जाता है ऐसे ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो असत्य में होता है डिपार्टमेंट पुलिस है वो मैसेज करने पड़ते लेकिन सत्य नहीं छोड़ सकता हाँ ये जो आप बात कर रहे हैं कल हमने किसी ऑफिसर ने आप बात की थी तो उनने उन्हें भी ये ये बात मतलब इसलिए कि अभी कल ही की बात है वो ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल इसी स्थिति में रोके ही बोल रहे थे कि मैं धर्म का आप सत्य कह रहे हैं वही धर्म है बोले मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बर्दाश्त नहीं करता जब मैं डिपार्टमेंट के अनुसार चलता हूं तो धर्म का नाश हो रहा है अब मैं करूँ तो क्या करूँ तब तो हम तो, तो ज्ञान है नहीं तो उनसे कुछ जानकारी ली अब ये समस्या तो बड़े से शुरू हो सुधार तब हो सकता है जो बड़े हैं वहां से सुधार शुरू हो तो हो सकता है अन्यथा छोटे वाले तो फिर पिसते ही हैं इस बात में अब नौकरी छोड़े तो फिर कैसे परिवार का पोषण हो कैसे राष्ट्र की सेवा बने और राष्ट्र सेवा और नौकरी का निर्वाह करना चाहता है तो अब वो जान रहा है गलत है फिर भी उसे करना पड़ रहा है तो अब दुविधा तो इसमें आ ही जाती है पर मुझे लगता है कि कुछ भी छूटे अगर हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता पर ये जरूर है सत्य पे चलने वाले को गिराने का प्रयास बहुत होता है अगर आप सत्य पे चल रहे हो तो आपके बड़े लोग आपको फंसा सकते हैं ना मानोगे भोगो फिर फंसा सक सकते हैं और मुझे ये लगता है जब कि अगर वो बड़े जन जो अधिकारी जन हैं वो ये नहीं जान रहे हैं कि मैं अधर्म के द्वारा अपनी उन्नति चाह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि उनको वहाँ तो उन्नति मिलती दिखाई देगी लेकिन घर में कभी शांति नहीं होगी कभी वो चैन से सो नहीं पाएंगे अब जब हमसे ऐसे अपराध हो गए कि हम जानते हैं कि निरपराधी और हम उसे दंड देंगे तो क्या मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा मुझे तो नहीं लगता सेवा बनी ना वास्तविक कर्तव्य का पालन हुआ देखो वास्तविक कर्तव्य के पालन के लिए जो पोशाक मिली है इसका निर्वाह करने के लिए सत्य मेव जयते लिखा होता है ना हमारे राष्ट्रीय सत्यमेव जयते और ये वर्दी भी जब मिली है तो सत्यमेव जयते के लिए ही मिली है अब यदि हम निर्दोष का जो अपराध नहीं किए उसका किसी भी तरह से अहित करते हैं और दोषी को बचा लेते हैं तो सत्यमेव जयते तो नहीं हुआ ना तो उसका अपराधी तो मैं बना ना जानते हुए अपराध करना पर बस यही है कि जो आपने प्रश्न किया कि अगर सत्य पे चलते हैं तो कर्तव्य छूटता है कर्तव्य पे चलते हैं तो सत्य छूटता है अब इस जगह हम उत्तर आपको इसलिए नहीं दे सकते कि वो होना चाहिए जो आपको असत्य की प्रेरणा करता है उसका सुधार हो तब आप सुधर ये तो है ही हैं आप तो अपना परम मंगल चाहते है ही है पर ये आपकी केवल बात नहीं सैकड़ों ऐसे प्रश्न हैं कोई भी डिपार्टमेंट हो जब बड़ा अधिकारी आदेश करेगा तो छोटा जो है वो अनुगामी है उसको तो ऐसा करना ही होगा अब इस स्तर पर सत्संग जब उनको पहुंचे और वो अपना सुधार करें तब नीचे से सुधार शुरू हो जाए आप विरोध करोगे आपको फंसा दिया जाएगा या आपको हटा देने का प्रयास कर दिया जाएगा बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें आपकी वर्दी उतर जाएगी जिनमें आपको दंड मिल सकता है हाँ वही कह रहा हूँ जी वही कह रहा हूं कि फिर उसमें अब इस पर कैसे कैसे कर सकता वो तो इस पर तो सत्य छोड़ना नहीं चाहता मैं आ, बड़े भाग्यशाली हो जो आप सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा पिछले से राम जब राम जी और बहुत है अब अब मेरे को अब वैसे वैसे सत्य वाला थोड़ा दुखी हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता जैसे युधिष्ठिर जी को बारह वर्ष का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास उन कपटियों ने दिलाया ना शकुनी सिद्ध पासे थे कपट के और दिलवा दिया पर सिंहासन पर बैठे महाराज युधिष्ठिर और विनाश हुआ कौरुओं का पक्का अगर सत्य पे चलोगे तो वो आपसे बड़े जरूर हैं लेकिन उनको भय रहेगा आपसे ये बात जरूर होती है तुमको देखते ही उनके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी ये आदमी टूटने वाला नहीं है अब या तो इसको निकाला जाए और या फिर इसके आगे हमें ऐसी ड्यूटी है। लगाते हैं जा जी कोई भी निकल था तो कहते इसको भेज दो ये ये करेगा उसको पता हूं इसमें अपनी बात पढ़ा रहना है ये गलत काम नहीं करेगा हाँ। पर अच्छा है तुम चिंता मत करो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ हरि होते हैं भगवान तो हरि अपना रूप स, दिखा, हाँ, दिखा दिया। सत्य पे तुम चलते रहे रूप दिखा दिया जी बेटी मेरी सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ते बेटा मेरा यूएसए चला गया मैं इतना प्रसन्न हाँ नहीं धर्म से और सत्य पे चलने वाली की विजय होती है बच्चे चले गए मैं अब और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया कि सत्य परमात्मा मेरे साथ है हाँ बिल्कुल आप हारना नहीं पर यह बहुत मतलब बहुत ही पीड़ा का विषय है कि जो बड़े स्तर से अपने नीचे वालों को इस तरह से दबा करके मतलब अधर्माचरण कराया जाए तो मतलब ठीक नहीं है तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़े स्तर से सुधार होना चाहिए जब बड़े स्तर से सुधार हो तब तो जैसे कोई बड़ा जज है बड़ा वकील है बड़ा पुलिस अधिकारी है या हमारे राष्ट्र का कोई बड़ा सेवक है अगर वो धर्म को समझ करके धर्मात्मा होकर चले तो बड़ा मंगल हो जाएगा मंगल नहीं हो जाएगा कई ऐसे मतलब समस्या के क्षेत्र आते हैं कि वहाँ की ही प्रधानता नहीं है वहाँ बड़ों की आज्ञाएं आदेश आपको ऐसा करना पड़ेगा फिर क्या करें तब तो हमको चुप होना पड़ता है कि हाँ बड़े से सुधार होना चाहिए अगर बड़े से सुधार नहीं होगा तो बेचारा अपने पद को छोड़े अपनी ड्यूटी को छोड़े तो फिर संसार में कैसे जिएगा क्योंकि उससे परिवार जीता है परिवार का भरण पोषण होता है जैसे आपने बताया बच्चे हैं उनको पैसे चाहिए वहाँ पढ़ने के लिए चाहिए तो आप धर्म पूर्वक जो कमाते हैं देंगे वो बुद्धि शुद्ध होगी अधर्म पूर्वक होगा तो परिवार की बुद्धि अशुद्ध होगी और आपकी पक्की हानि हो जाएगी ये इसलिए धर्म से चलो मुझे लगता है धर्म से चलने पे थोड़ा दुख संकट आ सकते हैं लेकिन विजय और आनंद जैसा आप अभी अनुभव करते हैं वो जरूर प्राप्त होगा अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता थोड़े दिनों के लिए तुम्हें दिखाई देता फिर इसके बाद जो उसका पतन होता है जब तक शुभ कर्म रहते हैं तब तक ठीक है और जैसे पिछले बैच में हुआ था ये इनका भी सेम प्रश्न है कुछ इनका थोड़ा सा मर्जी कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण सेवा काल में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को श्रमिकों के हित में ईमानदारी से संपादित किया और अपने अधीनस्थ मारे जिनका भाव यह है कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया परंतु बाद में पता चला कि जो इनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा लाभांत जो जिनको लाभ मिलना चाहिए था उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई और पात्रों को पात्र पात्र बना के भर्ती करा दिए गए जो हाँ है। भी है जब मेरे द्वारा कार्रवाई की गई तो मेरे ऊपर अनर्गल दोषारोपण किया आ, जा रहा है और छवि की शरणागति होने और सही करने के बावजूद इसमें, इसमें इसमें धर्मराज युदिष्ठिर सीधे धर्मराज से युधिष्ठिर रूप में आए हुए हैं और उनके द्वारा कोई आचरण भूल के भी नहीं हो सकता लेकिन उनके साथ छल किया गया कपट किया गया कितना इतना, इतना कि मतलब सोचने में हृदय घबरा जाता है और भगवान के महान भक्त हैं पांचों पांडव महान भक्त हैं द्रौपदी जी कोई स्त्री से प्रकट हुई कन्या नहीं यज्ञशाला अग्नि से प्रकट हुई लेकिन परिस्थिति ऐसी फंसा दी गई कि पांचों सर झुकाए बैठे और पांचों महाबली हैं महाभागवत हैं श्री कृष्ण के प्राण प्यारे पांचों हैं ऐसे परिणामता उन महापुरुषों को बड़ा दुख भोगना पड़ा बारह वर्ष का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास लेकिन वो अपने धर्म से विचलित नहीं हुए वो सत्य से विचलित नहीं हुए परिणामतः हस्तनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ और कौरवों का विनाश हुआ ये जो अज्ञानी जन पद का दुरुपयोग करते हैं लौकिक सुख लौकिक मान्यता लौकिक उन्नति में वो सुख देखने वाले तो जब कोई धर्म से चलता है तो उनकी उस सोच में बाधा पड़ती है तो उसको वो नीचा दिखाने के लिए ऐसा ही कृत्य करते हैं आपके पहले भी एक अभी अगले बैच में जो था उसमें एक पुलिस के जन ऐसा और ऐसे ही पदाधिकारी एक कल भी ऐसे तो ये रोग बहुत जोर से बढ़ रहा है क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई आधुनिकता की गई आधुनिकता की पढ़ाई लिखाई अध्यात्म का परिचय नहीं है आधुनिकता में माता पिता के द्वारा बहुत धन खर्चा किया गया वो बड़ी मुश्किल से उस पद को पाए हैं अब उस पद का वो दुरुपयोग हो या सदुपयोग उनसे इससे मतलब नहीं अब उनको धन की पूर्ति करनी है अब इसलिए जो छोटे उनके अधिकार में हैं अगर वो धर्म से चलना चाहते हैं तो वो रो के बोल रहे थे अभी जो आपके पीछे आए थे हाँ वो रो के बोल रहे थे कि मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ मैं आपको कैसे बताऊं कि आज भी मैं सत्य को नहीं छोड़ रहा चाहे मेरे प्राण चले जाएं पर मुझे बहुत सताया जा रहा है हमारे ऊपर अधिकारियों से अब मैं क्या कर सकता हूं तो फिर हमको यही बोलना पड़ा कि आप सत्य पे ही लगे रहना भले नौकरी छूट जाए भले अब देखो जो राष्ट्र सेवा का भाव रखता है जो धर्म से चलना चाहता है अब उसके बड़े अधिकारी यदि तो उसको इस तरह पीड़ित करेंगे तो कैसे वो धर्म से चल पाएगा अब वो नौकरी छोड़ता है तो इतना बड़ा परिवार बच्चा बच्ची पढ़ाई लिखाई कैसे चल पाएगी अब अगर नौकरी करना चाहता है तो उसे अधर्म की प्रेरणा होती तो वो थोड़ा अगर भी धर्म का ज्ञान रखता है तो जानता है कि मेरे द्वारा अधर्म अब कैसे अब वो धर्म से चलेगा उसके ऊपर अधर्म आरोपित कर दिया जाए और उसकी छवि खराब की जाए उसके सम्मान में बाधा पहुंचाई जाए तो अब वो बड़ा विचित्र खेल पर दंड मिलता है जैसे ऐसे सत्यवानों को बाधा पहुंचाई जाए तो थोड़े दिन के लिए फूले थे दुर्योधन वगैरह, उनकी द, दशा देख कि वो वन में किस कोट से कष्ट और वो राजवैभव का आनंद करते बड़े अभिमान में फूले थे कि मैं बहुत काट के फेंक दिए गए भगवान कह रहे हैं, मार इनको मार और उस पक्ष में बड़े बड़े महात्मा हैं परम भागवताचार्य भीष्म जी द्रोणाचार्य जी कृपाचार्य जी कोई साधारण अस्तियां हैं ये अगर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष में खड़े हो जाए तो त्रिभुवन में कोई जोड़ नहीं पितामह जैसे महापुरुष द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष पर सब को अधर्म के पक्ष में खड़े थे तो मुझे लगता है आपको धैर्यवान रहना है आपको तनिक भी विचलित नहीं होना है और आपकी छवि जितनी खराब करेंगे उससे कई गुना बढ़कर प्रकाशित भगवान करेंगे थोड़ा थोड़ा समय लगता है बस आप धैर्य से रहना विचलित मत होना आंसू भी सूख गए हैं परिस्थिति को तो दोनों तरफ से है महाराज जी जैसे आपने पिछले उसमें आपको हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि उनके उच्चाधिकारी हाँ। इनके अधीनस्थ हाँ। जो थे हाँ। नीचे वाले कर दें तो बिल्कुल। वो भी इन पे इल्जाम है हाँ। या नीचे वाला नहीं करना चाहे ऊपर वाला करें तो वो भी तो दोनों तरफ से महाराज जी हाँ अब वो मतलब जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो भौतिकवाद में ही हमारी बुद्धि रहती ना कि अगर हम इतना ये दिखा देंगे तो हमारी उन्नति हो जाएगी ऐसा कर लेंगे तो इतना धन प्राप्त हो जाए ये जो भौतिक प्राकृतिक उन्नति का विषय केवल दिमाग में रह जाता है फिर कोई भी पाप हो सकता है कोई भी अधर्म हो सकता है कोई छोटा हो या बड़ा हो अगर हम अध्यात्म को नहीं जानते हैं धर्म को नहीं जानते हैं सत्य को नहीं मानते हैं तो फिर उससे त्रुटि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा त्रुटि ही त्रुटि होगी क्योंकि जब ड्राइवर नशे में तो कहीं भी गाड़ी ठोक सकता है ये बुद्धि रूपी ड्राइवर नशे में हो गया धन के के, नाना प्रकार के भोग सामग्री अब वो गिराएगा ही गिराएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा जैसे हाथ जोड़ के समझाया भी जाए तो नहीं समझेगा जैसे दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं भगवान के का राज्य को दे दो हस्तिनापुर का आप ले लो नहीं तो बोले पांच गांव पांचों पांडवों को दे दो कुछ नहीं होगा मैं संभाल लूंगा तो उनका सुई की नोक भर नहीं देंगे भगवान के समझाने पर दुष्ट लोग नहीं समझते हैं फिर फिर जो समझाने की भाषा भगवान की आती है तिनकर काल रूप में भराता तो अपने आप सब समझ जाते हैं कोई भी मनुष्य हो यहाँ अविनाशी नहीं है शरीर तुम्हारे तो पास कुछ नहीं जाएगा चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो जो पापाचरण कर रहे हो वही लाद के जाओगे यहां भी दुखी और परलोक में भी दुखी जो थोड़ा धर्म से चलना चाहता है तो मुझे लगता है कि अगर मैं धर्म से न चल पाऊं तो उसको तो सपोर्ट दे दूँ भाई तू ही धर्म से चल रहा है मेरी तो क्षमता नहीं कि मैं धर्म से चलूं लेकिन मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा तो धर्म से चल इतनी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो काम बन जाए पर वो जब धनाभिलाषी पदाभिली होता है तो फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नाम जप के लिए इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि नाम जप के बिना बुद्धि का शुद्ध होना असंभव हो है अगर हम नाम जब करें तो सही माने में बुद्धि शुद्ध हो जाएगी सही माने में हम सुखी हो जाएंगे आप धैर्यवान बनिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये तो परिणाम में हम बता रहे हैं वर्तमान की परिस्थिति में दुखद परिस्थिति आ सकती है लेकिन परिणाम की परिस्थिति में सत्य ही विजय को प्राप्त होता है धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म उसकी रक्षा करता है आज तक इतिहास साक्षी है कभी धर्मात्मा और सत्यवान का नाश नहीं हुआ अधर्मी फूले हैं जरूर कुछ दिनों के लिए लेकिन जड़ से नष्ट हो गए हैं चाहे वो दशानन हो चाहे वो शास्त्रा अर्जुन हो या कोई भी हो थोड़े दिनों के लिए फूला और इसके बाद फिर नष्ट हो गया जब अपने कर्तव्य को भूल अब कोई हाक या त्रिभुवन में रावण का सामना करने वाला काट के फेंक दिया भगवान ने ऐसे बंदर जो है लात से जैसे बाल खेलते हैं ना ऐसे मारते थे रावण की खोपड़ियों क्योंकि सैकड़ों बार काटी गई थी खोपड़ियां तो बहुत सी खोपड़ी थी तब मंदोदरी ऐसे छाती में हाथ रख के रावण के कहा राम विमुख हस हाल तुम्हारा रहा न कोकुल रोवनिहारा जब वो दंड देता है ना मालिक गाड़ी में बैठे हैं शीशा लाख है और आग लग गई अब निकलने का अवसर नहीं उसी में भून गए उसी में बहुत वो विनाशकारी भी है पालनकारी भी है और सृजनकारी भी वही एक शक्ति है जो सृजन भी करती है पालन भी करती है और शंघार भी करती है तो ये डरते रहना चाहिए कि यदि अधर्म करोगे तो तुम सुख सुविधाएं जमा कर लो वही सुख सुविधाएं तुम्हारे नाश का कारण बन जाएंगी पक्का अंतिम फाइलन में देखना ये जो बहुत अधर्माचरण करके पुत्रों के लिए जमा करते हैं ना तो बुढ़ापे में पुत्र थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि ये तो बाहरी अभी ब्याज है अभी मूल मिलेगा मानव जीवन परमानंद के लिए सत्य के लिए धर्म के लिए मिला है कोई तुम पशु थोड़ी हो के कि केवल निद्रा आहार मैथुन इसमें जीवन काट दो इसका भी दंड मिलेगा आप चाहे जितना ठीक चले यदि आपने भगवान का भजन नहीं किया तो दंड मिलेगा आपको जैसे आपको अमेरिका भेजा गया हमारे भारत सरकार ने वहां बंगला की व्यवस्था कर दी सब व्यवस्था कर दी गाड़ी व्यवस्था और अपना सरकारी काम दिया भारतीय सरकारी काम दिया अब आपने बच्चे को पढ़ाया बच्चे पैदा किए खूब मौज मस्ती से रहे। बीस साल बाद वापस आए अब आपको मांगा किया कि जो सरकार बोले नहीं जी हमने तो अपने बेटे को पढ़ाया बेटी को पढ़ाया दोनों का ब्याह किया ये नहीं सरकारी काम जो भारत का के कार्य से गए थे आपने वो, वो कुछ नहीं तो उसको दंड मिलेगा दंड मिलेगा ना ऐसे ही हम गर्भ में वादा करके भगवान से आए कि इस बार में भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा मानव देह भजन करने के लिए मिला है जो न तरह भव सागर अस समाज नर पाए स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए तो ये विचार अध्यात्म के सत्य के अब जब सत्संग ही नहीं सुना जा रहा धर्म से ही नहीं चला जा रहा तो बुद्धि मंद होती चली जा रही हो बस उसका लक्ष्य धन बन गया उसका लक्ष्य और हमारा पद बड़ा हो जाए और हम धनी हो जाए और हम ऐसे फिर कैसे सुधार हो सकता है आज जो अध्यात्म का स्वरूप है वो बिगड़ता चला जा रहा है अगर हम अध्यात्म को जानते भी हैं तो हम बेचना शुरू कर दिए हैं अध्यात्म कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और पैसे से कभी अध्यात्म नहीं मिलता अध्यात्म में पैसा का प्रधानता नहीं होती और पैसे की प्रधानता में अध्यात्म नहीं होता अध्यात्म कभी बिकता नहीं है वो स्वयं अपना स्वरूप है अपने आचरणों को सुधारना अध्यात्म है। अगर ये समझा जाए कि पैसे देकर हम अध्यात्म सुनियावें पैसे देकर हम अध्यात्म ध्यान कर लें पैसे देकर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कुछ नहीं जीरो पे जीरो और पैसे का मात ऊपर से और बढ़ जाएगा अध्यात्म होता है स्वरूपगत अर्थात परम स्वतंत्र फिरी ये भगवान का मार्ग है तो हम अपने आचरणों को सुधारें हम अपने भाव को सुधारें हम थोड़ा अध्यात्म को समझे तो जो नहीं समझ रहे वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और आप सत्य से चलिए भगवान रक्षक को जिसके भगवान रक्षक हैं त्रिभुवन में आज तक कोई बिगाड़ नहीं पाया इतने दिव्यास्त्र मारे गए अर्जुन के ऊपर खरोच नहीं आई अर्जुन के दिव्यास्त्र जो भस्म कर दे मैं रथ सहित आग्नेस्त्र वरुणास्त्र बड़े बड़े दिव्यास्त्र भीष्म पितामा द्रोणाचार्य दिव्यास्त्रों के आचार्य हैं तो जब युद्ध हो गया तो अर्जुन से कहा तुम नीचे उतरो तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सारथी पद में आप हैं आप पहले नीचे उतरते हैं बोले जो मैं कह रहा हूं आज्ञा कर रहा हूं अर्जुन नीचे उतरे जे भगवान उतरे भस्म हो गया रथ ही भस्म हो बोले प्रभु बोले ये तो पहले ही भस्म हो गया था दिव्यास्त्रों से मेरे कारण ये रुका हुआ था तो आप सच्ची मानिए हमारे प्रभु जैसे अर्जुन को प्यार करते हैं वैसे हर जीव को प्यार करते हैं पर जब दुर्योधन के आचरण वाला बन जाता है तो भगवान फिर उसका विनाश कर देते हैं तिनकर काल रूप में रहता तो धर्म से चलने वाले को कभी डरना नहीं चाहिए धर्म छोड़ना नहीं चाहिए एक दिन जरूर तुम्हारी विजय होगी और तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता ये पक्की बात समझ लो नीचा दिखाने वाले को खुद भगवान ऐसा फंसा के नीचा दिखाएंगे अरे वो बड़े लीला बिहारी है तुम्हारे हाथ से अनजाने में ऐसा कर्म करवा देंगे तुम्हें भोगना पड़ेगा हम कहते हैं इसीलिए कि नाम जब करो धर्म से चलो कोई पाप ऐसा है जो कोई नहीं जानता है वो तुम्हें खा जाएगा समय आने पर नष्ट कर देगा डरो पाप करने से जैसे कि हमारा तो कोई खुला नहीं और सब चल रहा है आज चल रहा है जब कल वो फल देगा ना तब विध्वंस हो जाएगा कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रह जाएगा तो आप तो सत्य पे चलने की बात धर्म के चलने की बात अपने मन में ठाने तो आप डरिएगा नहीं ना छोटा बिगाड़ सकता है ना बड़ा बिगाड़ सकता है क्योंकि छोटे बड़े सब उसी के आकाश के अंतर्गत है जिसको आप देख रहे हो और जो आकाश का भी अवकाश है वो है परमात्मा जो ईश्वरों का भी ईश्वर सब शासकों का शासक है वो जब न्यायाधीश न्याय करता है तो कोई भी हो फिर उसके आगे नहीं चलता इसलिए उसका भरोसा रखो जो सबका ईश्वर है सबका मालिक है सत्य है धर्म है वो कभी झुकता नहीं आप ध्यान रखना धर्मवान अधर्म से कभी झुक नहीं सकता पक्का कोई भी अधर्मिक चाहे जितने बड़े पद में उसे तोड़ नहीं सकता धर्म का एक बहुत बड़ा स्वरूप होता है और धर्म तत्काल परास्त करता है धर्मी को उसका प्रभाव सम्राट अकबर यहां आया आगरे में तो देखा यहां ब्रज के सब जितने तो तिलक कंठे उसको जलन सी हुई और उसने कहा कल से जो दरबार में तिलक लगा के आएगा उसके मस्तक को आग के गोले से दाग दिया जाएगा सम्राट का फरमान अगर गले में कंठी बांध गया तो गला काट दिया जाएगा अब जो लगा के सब आते थे सो दूसरे दिन मधुकर शाह हरिराम व्यास जी के शिष्य महा भागवत राजा ओरछा के राजा थे मधुकर शाह जी उन्होंने सोचा कि तिलक तो भगवान का है और ये एक मुल्क का बादशाह है और मैं अनंत मुल्कों के बादशाह का दासत तो लगाए हूं क्या मैं इसकी धमकी से छोड़ दूं गर्दन ही तो कटेगी ना तो पहले तो अंगरखी पहन करके जाते थे ऊपर उस दिन अंगरखी भी उतार दी केवल धोती और बारह तिलक बड़े बड़े द्वादश तिलक लगाए खुला मोटी कंठी की माला तलवार खोसी और पहुंच गए अकबर ने देखते ही कहा मधुकर शाह तुमने फरमान नहीं सुना था बोले सुना था तलवार खींची और कहा आप एक मुल्क के बादशाह और ये तिलक अनंत मुल्कों के बादशाह का है पहले मेरी गर्दन उतारने के पहले हमसे युद्ध करना होगा कौन है इसमें ओ बबर शेर जैसे दहाड़ रहा हो मानो नरसिंह भगवान का आवेश हो कांप गया अकबर तत्काल कहा अरे अरे मधुकर शाह मैं तो एक परीक्षा ले रहा था कि वास्तविक तिलक धारण करने वाला कौन धन्य हो तुम धन्य हो सभा में बोलने लगा धन्य हो तुम धन्य हो आज से हमारा तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा रही बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है बोले किसी के भी कंठे तिलक को लगाने का रोक ना हो और मंडल में कभी कोई शिकार ना करे तुम्हारा आदमी जो जो चाह लिखवा लिया अगर अपनी निष्ठा है तो डाउन हो गया हो। निष्ठा नहीं है तो कितने ऐसे कि भैया आप गर्दन न कट जाए तिलक नहीं लक अपने धर्म और सत्य पे चलने वाले को भय उपस्थित किया जाता है लेकिन वो भय निष्ठावान को परास्त नहीं कर सकता कहीं भी किसी भी पद में हो वो अधिकारी जो पीछे थे वो कह रहे थे कि मुझे ऐसी जगह तैनात किया जाता है जहां कष्ट ही कष्ट मिले ऐसी परिस्थिति डाली जाती है जिसमें मुझे अपमानित किया जाता है बार बार मुझे सस्पेंड किया जाता है बार बार मुझे धमकी मिलती है पर मैं क्या करूं सत्य से चलूं? तो कर्तव्य छूटता है कर्तव्य पे, पे चलूं तो सत्य छूटता है तो अपने लोग उस समय उत्तर देने से रहित हो जाते हैं क्यों? क्योंकि बड़े से सुधरना शुरू हो तब उनकी संभाल हो अब बड़े जब नहीं सुधरेंगे तो आदेश करेंगे तो ऐसा करना होता है पर अगर वो आदेश का पालन न करे तो फिर उसका कर्तव्य नहीं बनता ना तो फिर हमें लगता है कि हम लोग जो सत्यमेव जयते तो इसको पढ़ते नहीं क्या ये बड़े बड़े सरकारी ऊंचे उसमें लगा होता है सत्यमेव फिर ये क्या केवल लिखने के लिए है क्या बस यही हमें थोड़ा समझना है कि जो भी वो सत्यमेव जयते के लिए है अब वो सत्यमेव जयते को ना समझने के कारण हम अर्थ प्रधान पद प्रधान भूख प्रधान बुद्धि होने के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं नहीं तो जो जहां है वो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे नाम जप करे तो उसको वही भगवत प्राप्ति होगी जो एक योगी को होती है सत्य मानिएगा हमारे भगवान की पूरी सृष्टि है और उनकी हर पद हर कर्तव्य कर्म उन्हीं की सेवा है नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे तो वहीं से उसको भगवत प्राप्ति हो जाए पर अध्यात्म को न जानने के कारण ऐसी दुर्गति होती है ऐसी गलतियां होती रहती है पर आप झुकेगा नहीं आप अपने मार्ग पर चलिए एडवोकेट हिमांशु जी दिल्ली हाई कोर्ट राधा महाराज जी राधे राधे महाराज श्री कृष्णा ने गीता में कर्म को प्रधानता दी है अर्थात कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो हाँ। तो महाराज जी नाम जपना क्यों जरूरी हाँ ध्यान दीजिए पहले तो हम उसी विषय पे बोलते हैं कर्म नहीं कर्म योग अगर आप पूरे शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तो अधूरा हो जाएगा कर्म योग का वर्णन भगवान ने किया केवल कर्म का वर्णन नहीं किया वो पूरा चैप्टर कर्म योग आगे पूरा चैप्टर भक्ति योग प्रारंभ जो गीता का किया सांख्य ज्ञान जो ज्ञान योग कहा जाता है अगर आप योग नहीं बोलेंगे तो कर्म फिर बांधने वाले होते हैं चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो अच्छा कर्म है सोने की जंजीर बुरा कर्म है लोहे की जंजीर लेकिन बंधता दोनों में है अवश्य में भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शुभ और अशुभ कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे समझ रहे ना अब योग चाहिए जो मुझे कर्म बंधन से मुक्त कर दे शुभ और अशुभ दोनों से तो गीता जी बहुत थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएंगे और आगे बढ़ो उसमें कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददा बुद्धि योगम तम ये नमापया जो मेरा सतत भजन करता है नाम जप करता है मेरा चिंतन करता है मेरी सेवा करता मन मनाभ मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु तो मैं योग प्रदान कर देता हूँ अब कर्म नहीं रह गया अब कर्म योग बन गया कर्म योग बन गया तो उसने विध्वंस कर दिया संचित कर्मों को फलाकांक्षा रहित होने के बाद उसके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद कर्तत्व तो भाव का लीन हो जाना जीवन मुक्त महापुरुष हो जाना बिना भगवान के नाम जबकि योग नहीं बन पाएगा मामिस्मर युद्ध च गीताजी से ही, मेरा स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म कर इसीलिए कहते हैं राधा राधा बोलो हरि हरि बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो फावड़ा चलाओ या वकालत करो या जो भी कार्य करो वो तुम्हारी पूजा होगी तुम्हारा कर्तव्य कर्म होगा और भगवत स्मरण करोगे तो योग हो जाएगा कर्म योग हो गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी कर्म अकेले हुआ तो बार बार दुर्गति बार बार लोक लोकांतर के सुखों का शुभों का भोग लेकिन पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विसंति काम तो बना नहीं आपको समझ में आ रहा है इसलिए नाम जपना अत्यंत आवश्यक है बिना नाम जप किए योग नहीं हो सकता कर्म होगा कर्म दो प्रकार के शुभ और अशुभ उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा गीता गायक कर रहे हैं अवश्य में भोगतब में हम कब तक भोगता रहूंगा पूरा स्टॉक लगा हुआ गोदाम लगा हुआ अनंत जन्म हो चुके हैं और हर कर्म का फल वो हमें भोगना पड़ेगा तो आप क्या करें उसमें आग लगनी चाहिए गोदाम में जो हमारे संचित कर्म है वो नाम जब से होगा जो क्रियमाण है हमारी बुद्धि शुद्ध हो कि हम कौन से कर्म करें जिससे हमारा मंगल होगा वो बुद्धि नाम जब से होगी इसीलिए कहते हैं नाम जब करो बहुत शोध के बोलते हैं ऐसा थोड़ी मनमानी बोलते हैं बहुत शोध के हर शास्त्र का हर संत महापुरुष का जो अनुभव है उनका संग करके तबे है बोलते हैं ऐसे नहीं कि हम वो केवल भावुकता में बोलते हैं नहीं हम भावुकता वाले पुरुष नहीं हैं भगवान शंकर ज्ञान समुद्र हैं बचपन से उन्हीं के गुरुअई में पले हैं तो इसलिए बहुत शोध करके यहाँ कोई भी बात मिलेगी तो केवल को भावुकता की नहीं होगी कि अंधविश्वास में बोलते चले जा रहे नहीं जिसका स्वाद नहीं लिया वो बात नहीं तुम्हें बोलेंगे और जिसका स्वाद लिया तो छाती ठोक के कहते ऐसा करो और तुम्हें स्वाद ना जाए तो मुझे बता देना ठीक समझ में आ रहा जी